हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल का नाम विशु ऑफ सेंटर। तो फ्रेंड, आज हम करने वाले WPSC का जो क्लर्कशिप का एग्जाम हो गया उसका सारा क्वेश्चन देखेंगे। पीछे से हम लोग स्टार्ट करते हैं जो कि इंग्लिश से था। तो फ्रेंड, वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए। और पहले उससे पहले आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करते सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल घंटे को, ताकि इसी तरह के रेगुलर अपडेट मिल सके। फ्रेंड, तो 71 का जो आंसर था फ्रेंड, एक्टिव टू पैसिव बनाना था। उसका जो आंसर था फ्रेंड आपका सी नंबर, दे वेर लाफ्ड एट बाय द क्रेजी गर्ल। ठीक है फ्रेंड, इसका जो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, उसी प्रकार देख लीजिए फ्रेंड, अपना जो है बुकलेट निकाल के देखते रहिए फ्रेंड। 72 का आपने क्या टिक किया होगा, तो दे टायर्ड हॉकर सेट अंडर द, ठीक है फ्रेंड, अंडर द थ्री इसका सही आंसर हो जाएगा 72 का डी। उसके बाद 73 का जो आंसर होगा फ्रेंड आपका डी नंबर। ठीक है फ्रेंड, 73 का जो होगा फ्रेंड आपका डी नंबर हो जाएगा। 74 का क्या होगा फ्रेंड, 74 का आपका जो है बिगन हो जाएगा सी नंबर। ठीक है फ्रेंड, उसी तरह फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इंट्रोगेटिव बनाना था, तो आपका जो बी नंबर है करेक्ट हो जाएगा बी नंबर। ठीक है फ्रेंड, जो मैं बताया था और टिक करते चलिए और देखिएगा कि क्या आंसर आपने लगाया था। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद 81 का जो है फ्रेंड, सॉरी अब यहाँ चलते फ्रेंड, आपका कितना नंबर हो गया 76 का जो होगा फ्रेंड आपका 76 का जो है सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, 77 का देख लीजिए फ्रेंड, 77 का क्या है फ्रेंड, 77 का बिटवीन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड, उसी प्रकार देख लीजिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी 78 देख लेते फ्रेंड, 78 क्या है, सॉरी 78 में बताया ही है फ्रेंड, 79 तो बता दिया और 77 में जो हो गया फ्रेंड आपका वर्चुअल। ठीक है फ्रेंड, वर्चुअल इसका सही आंसर 78 का, 79 का जो होगा फ्रेंड ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसमें आप ये बाय विथ का होगा प्रयोग, लेकिन ये विथ मैंने विथ जो है लग रहा है, देख लीजिएगा आप चेक कर लीजिएगा। उसी प्रकार 80 का जो है फ्रेंड आपका ये अप होगा। ठीक है फ्रेंड, कॉल डिसाइडेड टू गिव अप। ठीक है फ्रेंड, बी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, उसी तरह फ्रेंड 81 का देख लीजिए, 81 का क्या है, ईडीएम फेजेस का था क्वेश्चन, तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड आपका, इसमें कन्फ्यूजन है। ठीक है फ्रेंड, ए बी में कन्फ्यूजन है, ए ज़्यादा लग रहा है प्रिपेयर्ड, देख लीजिएगा बी बी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, 82 का फ्रेंड क्या है, अब फिल द ब्लैंक्स भरना था, इसमें जो होगा फ्रेंड आपका सी नंबर स्मगलर जो करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड, 83 का जो होगा फ्रेंड आपका, 83 का क्या है, ट्रंड का जो होगा फ्रेंड, ट्रंड जो चेंज हो जाएगा आपका ट्रांसफर में, सी नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, उसी प्रकार फ्रेंड देख लीजिए क्या था, इसमें आपको राइट जो है प्रिपेयर्ड वर्ड भरना था, तो इसका जो 84 का जो सही आंसर होगा फ्रेंड आपका सी नंबर जो है कर्डियस सही आंसर होगा। ठीक है, सी नंबर वाला। 85 का देख लीजिए फ्रेंड, 85 का क्या है, जो आपको प्रीपोजिशन भरना था, तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड कॉल ऑफ अप्रूव ऑफ होगा। ठीक है फ्रेंड, इसमें फेजल वर्ब यूज़ करना था। ठीक है फ्रेंड, 86, अब 86 का देख लेते फ्रेंड, 86 में क्या दिया हुआ है, 86 में दिया हुआ है फ्रेंड, 86 का जो सही आंसर होगा फ्रेंड कैक्टस होगा। ठीक है फ्रेंड, कैक्टस का सही आंसर होगा। 87 का देख लीजिए फ्रेंड, 87 का क्या होगा फ्रेंड, वाज। ठीक है फ्रेंड, 88 का देख लीजिए फ्रेंड, 88 का क्या है, 88 का दिया हुआ है फ्रेंड आपका ए नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा विथ। ठीक है फ्रेंड, अब 89 का देख लीजिए फ्रेंड, 89 का जो होगा फ्रेंड अपोजिट मीनिंग बताना था अटैक का, तो इसका जो सही आंसर होगा सी नंबर डिफेंड। ठीक है फ्रेंड, उसी तरह फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक का था क्वेश्चन, तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ए नंबर एग्जीक्यूटेड। ठीक है फ्रेंड, उसी तरह फ्रेंड 91 का देखते हैं फ्रेंड, 91 का क्या है, तो 91 का जो होगा फ्रेंड, 91 का ए हो जाएगा आपका सही आंसर एक्सेप्ट। ठीक है फ्रेंड, उसी तरह फ्रेंड 92 का देख लीजिए, 92 का क्या है फ्रेंड, 92 का दिया हुआ है, इसमें होगा इन। ठीक है फ्रेंड, ही वॉज सक्सेस इन कम्प्लीटिंग द जॉब विद इन 4 डेज। ठीक है फ्रेंड, 93 का क्या है फ्रेंड, 93 का जो होगा फ्रेंड डी नंबर। ठीक है फ्रेंड, करेक्ट होगा। 94 का देख लीजिए फ्रेंड, 94 में जो है फ्रेंड कॉल अप और कॉल ऑन में जो थोड़ा अंतर बुझ रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, इसमें कन्फ्यूजन आ रहा है। 95 का देख लीजिए फ्रेंड, 95 का क्या है, प्रीपोजिशन बना था, तो राम वाज गुड एट केमिस्ट्री। ठीक है फ्रेंड, अपने 96 का देखते हैं फ्रेंड, 96 का क्या है, 96 का देख लीजिए फ्रेंड, 96 का जो है हेड हेयर। ठीक है फ्रेंड, ही रश टू द हॉस्पिटल आफ्टर ही हैड हियर्ड द न्यूज़। ठीक है फ्रेंड, डी नंबर्स का करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड 97 का जो होगा फ्रेंड आपका डी नंबर्स का करेक्ट हो जाएगा। ही टोल्ड मी दैट ही नेवर सीन सच अ ब्रिलियंट गर्ल इन हिज ब्रिलियंट बॉय इन हिज लाइफ। ठीक है फ्रेंड, 98 का देख लीजिए फ्रेंड, इनमोरियस का था फ्रेंड हग।
ठीक है फ्रेंड, डी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 99 का, इसका जो होगा फ्रेंड आपका, इसमें कन्फ्यूजन था तो मैंने छोड़ दिया है। और लास्ट का देख लीजिए फ्रेंड, ये आपका जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सॉरी इडियम फ्रेजेस था, तो द ओल्ड लेडी वॉज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अपना क्वेश्चन देख लिया 41 का जो था फ्रेंड आपका, इंटीजर के बारे में पूछा था, 54 इंटीजर के बारे में पूछा था, जिसका आंसर जो होगा फ्रेंड 6 नंबर का आंसर होगा, जो बंगला बंगाली मीडियम के बंगाली देख लिया, जो इंग्लिश मीडियम के इंग्लिश देख लेते फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते फ्रेंड, 42 का जो आंसर होगा फ्रेंड 36.36 इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड। उसी हिसाब फ्रेंड देख लेते 43 का जो होगा फ्रेंड, एप्पल वाला जो क्वेश्चन था उसका जो 41 आंसर हो जाएगा, 21 जो है डी नंबर उसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे फ्रेंड, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज इवन, जो इतना इतना क्वेश्चन जो था इसका फ्रेंड आपका 14 यानी डी बी नंबर इसका सॉरी 1141 इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है फ्रेंड। उसी प्रकार देख लिया 45 का जो आंसर था फ्रेंड आपका ए नंबर 45 का था। 46 का देख लेते फ्रेंड, 46 का क्या था, 46 का जो बोट वाला क्वेश्चन था उसका बी आंसर होगा 4.5, ठीक है फ्रेंड। उससे फ्रेंड 47 का देख लेते फ्रेंड, 47 का क्या है, सम ऑफ मनी बिकम 27 टाइम्स इटसेल्फ इन 3 ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट में था 150 होगा इसका, 150, ठीक है फ्रेंड। उससे बी नंबर यानी नेक्स्ट क्वेश्चन 48 का देख लेते फ्रेंड, जो रेसिंग कार रेसिंग जो रेस स्पीड का था उसका जो बी आंसर होगा 24/19 मीटर पर सेकेंड, ठीक है फ्रेंड, इसका सही आंसर होता है बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 49 का जो है फ्रेंड कंपाउंड इंटरेस्ट से था उसका जो आंसर होगा डी नंबर जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेशियो पूछा गया था जो परसेंटेज सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में अंतर पूछा था, तो इसका करेक्ट आंसर 10% होगा, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। उसी प्रकार देख लीजिए, रेशियो से ही क्वेश्चन आया था एक, जिसमें 3 ABC का रेशियो दिया था, इसमें जो सही आंसर होगा फ्रेंड आपका बी नंबर यानी 32 वर्ष, ठीक है। उसी तरह फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 52 का जो हो गया फ्रेंड आपका डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड, 0.3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। जो इंग्लिश मीडियम का इंग्लिश देख ले, बांग्ला मीडियम का बांग्ला देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, वैल्यू पूछा था फ्रेंड, वैल्यू अंडर रूट का, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो डी नंबर 2.13, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 54 का, 54 में पूछा गया था जो रेशियो बिटवीन 10 और जो डिफरेंस पूछा था, तो इसका जो सही आंसर होगा ए नंबर यानी 595, ठीक है फ्रेंड, ए नंबर सही आंसर होता है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एलोन कैन डू वर्क इन 12 डेज और 16 डेज एफिशिएंसी देन, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड, इसका जो है आपको जो है कन्फ्यूजन में था तो मैंने नहीं बताया आपको, ठीक है फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो जो क्वेश्चन था ये डिस्टर्ब हो गया फोटो खींचने में स्कैन करने में, 50% जो क्वेश्चन था फ्रेंड, 50% ऑफ पी ऑफ क्यू देन पी बराबर x% देन क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड 50 यानी सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सी नंबर, ठीक है फ्रेंड। उसी तरह 57 का देख लीजिए, सर्टन प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 560 इन 3 ईयर 60 and rest 605 years, इसका सही आंसर ऑफ बी नंबर 4%, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते फ्रेंड, फाइंड द नंबर इज 36, देख लीजिए जो क्वेश्चन 58 का जो क्वेश्चन है फ्रेंड, डी नंबर यानी 9.75, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, वो भी रेशियो से आया था, एलसीएफ से आया था, जिसका जो सही आंसर होगा सी नंबर यानी 2835, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अ पर्सन ट्रैवल फ्रॉम पी टू क्यू स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर, इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड सी नंबर 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है फ्रेंड। उसी प्रकार देख लेते फ्रेंड, 61 का जो आंसर था फ्रेंड वो आपका 9 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड, 9 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 62 का जो होगा फ्रेंड, इसके जो स्टार के जगह में क्या लिखना था फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर 16/9 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। उसी तरह फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते फ्रेंड, 63 का क्या था फ्रेंड, सिंपल इंटरेस्ट से आया था, जो कि इसका जो कौन सा का आंसर जो होगा फ्रेंड 150 कैसे होगा, 500 × 6 × 5/100, 5 से 5 चला गया 150 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसी तरह फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ए कैन डू 1/2 ऑफ अ वर्क इन अ 5 डेज इन 5 डेज, तो इसका जो करेक्ट 64 का जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर 9/3/8, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 30% आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट, ठीक है फ्रेंड, इसका जो सही आंसर है फ्रेंड 37 यानी बी नंबर 37 इसका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
सिंप्लीफिकेशन आया था, जिसमें जो आपका जो आंसर होगा बी नंबर यानी टू जो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू पाइप्स कैन बी सेपरेटली फिल अ टैंकी इन 2 आवर्स। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है फ्रेंड आपका 5 1/7, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सर्टन नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 175। इसका जो करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड ये बी नंबर हो जाएगा यानी 7, बी नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड, उससे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ए बी सी डी स्पेल कैन डू आर प्राइस ऑफ पीस ऑफ वर्क 6 12 24 डे। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड डी नंबर 3 3/7 सही आंसर। तो लास्ट क्वेश्चन मैथ का क्या है फ्रेंड देख लीजिए, 150 ग्राम 150 ग्राम ऑफ शुगर सोल्यूशन ऑफ हैज़ 20 शुगर इन इट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड ए नंबर 10 ग्राम। ठीक है फ्रेंड, तो ये 40 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो फ्रेंड आशा करता हूँ आपका एग्जाम जो अच्छा क्या होगा। तो फ्रेंड यही जो क्वेश्चन थे आपका एग्जाम में आ चुके थे, तो जो मैं बताया वो सटीक बताया हूँ। तो
तो फ्रेंड ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में आ चुके हैं फ्रेंड। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, शेयर करना है। जो भी फ्रेंड आपके एग्जाम दिए होंगे उसे भेज दीजिएगा ये क्वेश्चन, ये आपका वीडियो। और आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।